उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है और यहाँ पर दो नई ट्रेनों का संचालन उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इन दोनों ही ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में और यह ट्रेन कब से चलाई जाएगी, क्या रहेगा टाइमिंग और क्या रहेगा स्टॉपेज। पूरा जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में बढ़ते आगे उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर ले, सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं। काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई है और ऐसे में लखनऊ के लोगों के लिए जयपुर और दिल्ली के लिए एक डबल डेकर ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा जो कि रेलवे करवाने वाली है। लखनऊ वासियों का इंतजार था कि लखनऊ से एक नई ट्रेन मिलनी चाहिए और ऐसे में लखनऊ से जयपुर और दिल्ली के लिए डबल डेकर ट्रेन का ट्रायल के साथ समय सारणी तय कर दिया गया, लेकिन कागजी तौर पर यह काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब जल्दी से रेलवे बोर्ड ने इसकी जब मंजूरी दे दी है तो सूत्रों के अनुसार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें हरी झंडी दिखाने की बात स्पष्ट रूप से सामने निकल के आई है। दो साल पहले लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर ट्रेन का संचालन सुचारू रूप से होता था। यह ट्रेन 8 घंटे में लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाती थी। इस ट्रेन का किराया महज 645 रुपए था। लखनऊ से आनंद विहार तक का सराय रोहिला से जयपुर जाने वाली डबल डेकर ट्रेन का किराया तय किया जाएगा और फिलहाल इस पर अभी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 12,565 नंबर बनकर लखनऊ जंक्शन से यह ट्रेन आनंद विहार जाने वाली डबल डेकर ट्रेन को इस योजना के तहत जयपुर तक चलाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत पहले ही लखनऊ जयपुर डबल डेकर ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त कुछ टेक्निकल दिक्कत आने की वजह से यह काम पूरा नहीं हो पाया है। इस अपडेट पर और भी जानकारी हमारा आने वाला है। हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। इस वीडियो को कीजिए शेयर। कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।